हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेकर आई हूं दोस्तों, और इसमें पोस्ट बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है और बहुत ही बड़ी वैकेंसी है दोस्तों आपके लिए। तो ये मौका जरूर बिल्कुल भी मत छोड़ना अपने हाथ से। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले अपडेट्स आपको दे सकूं, और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये कहाँ की वैकेंसी है दोस्तों। ये उड़ीसा की वैकेंसी है, ठीक है। उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर की ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, बड़े लेवल पे है और बहुत ही ज़्यादा पोस्ट रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी डेट स्टार्ट है, 14 मई को स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 14 मई 2022 को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। एंड जो इसकी आखिरी डेट, लास्ट डेट जो रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है, ये रहने वाली है आपकी 12 जून, ठीक है। 12 जून आपकी लास्ट डेट है। तो 12 जून से पहले पहले दोस्तों इस वैकेंसी पे अप्लाई ज़रूर करें आप। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना दोस्तों, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैप करके आप इसकी वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अब नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताई दिया है, 4070 नंबर ऑफ पोस्ट, 4070 है दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी। और 13 मेडिकल कॉलेज में आपको पोस्टिंग मिलेगी, और 30 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड 13 मेडिकल कॉलेजेस। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये, काफ़ी अच्छी पोस्टिंग रहेगी और सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं पे स्केल की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, ठीक है। पे स्केल की बात करते हैं, पे स्केल यहाँ पे आपका क्या रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए पे स्केल आपको होगा, पे मैट्रिक्स लेवल 8 होगा आपका, 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक आपके बनेंगे, और मंथली रिमुनरेशन आपकी 15,000 रुपये होगी। इसमें आपके और भी अलाउंसेस ऐड होके आपकी जो सैलरी है वो आराम से 50,000 रुपये बैठ जाएगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, 50,000 रुपये की सैलरी यहाँ बैठने वाली है, तो काफ़ी अच्छी और अच्छी वैकेंसी है और अच्छी सैलरी भी है दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं एज की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। एज देख लेते हैं, यहाँ पर एज की इन्होंने जो बात की है, एज में बोला है कि 21 से 38 ईयर्स, ठीक है, 21 to 38 के लोग जो जनरल कैटेगरी में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बात करिए कैटेगरीज के लिए, कैटेगरी को 5 साल की छूट मिली है। कौन कौन सी कैटेगरी? SC ST SC BC और वुमन कैटेगरी, इनको मिली है 5 साल की छूट, ठीक है। 5 साल की छूट है, 38 ईयर्स में 5 साल की छूट है। और जो PWD हैं, ठीक है, PWD वालों को मिली है 10 साल की छूट, ठीक है। 10 साल की छूट मिली है PWD वालों को, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देख लिया एज लिमिट के बारे में, मैंने एज लिमिट आपको बता दी है, ठीक है। जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करें। आगे हम देख लेते हैं, ठीक है, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इंडियन होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। अगर मैरिड है तो एक से अधिक बीवी या पति, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन वन, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या बात करी है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन फीस ही नहीं लेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी पे नहीं करनी है, नो एग्जामिनेशन फ़ी इज पेबल फॉर दी पोस्ट, ओके दोस्तों। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट डेट उन्होंने क्या बोली है, कि आपको 16 जून 2022 से पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों। आखिरी डेट तक ना जाइएगा, जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म को अप्लाई करना आप, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है ये पूछ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना है साइट पर। साइट कहाँ मिलेगी आपको, आपको जो साइट है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, ये रही साइट, ठीक है। इस साइट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको होम पेज पे जाकर, ठीक है, होम पेज पे जाके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको रजिस्टर करने के बाद आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा, या शायद आपको क्रिएट करना पड़ेगा पासवर्ड। उस आईडी पासवर्ड से फिर लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। उसी आईडी से फिर से लॉगिन करके री रजिस्टर करना और फॉर्म को फिल कर लेना। कोई फ़ी अप्लाई नहीं करनी है दोस्तों, याद रखना,
ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना अपने पास फॉर्म फिल करने से पहले। 10th और 12th की मार्कशीट, आपकी GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग की जितनी भी मार्कशीट, डिप्लोमा, डिग्री है उसे साथ रखना आप, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी फ़ोटोज़, अपना साइन, ये सब अपने साथ रखना आप, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करें। एंड यहाँ पे आप बात कर रहे हैं प्लेस एंड डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, प्लेस एंड डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहे हैं, वो कहाँ कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट जो होगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, एंड साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल पे आपको इसका अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो अपडेट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस बहुत ही मस्ट और इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस में यहाँ दे रखा है कि आपका GNM और BSc नर्सिंग का जो कोर्स है उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन, और ये थ्योरेटिकल बेस पे, ये थ्योरेटिकल बेस है। अब मैं बोलती हूँ 25 क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल बेस, नर्सिंग के ही दो पार्ट में हैं, ठीक है, नर्सिंग के कैसे पार्ट है, दो पार्ट्स हैं। 60 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के, 25 क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है। उसके बाद मैथ्स आएगी और इंग्लिश आएगी, यहाँ लिखा है मैथ्स, ठीक है, अरिथमेटिक, एंड यहाँ लिखी इंग्लिश। 10th की स्टैंडर्ड, हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टैंडर्ड पे आएगी आपकी इंग्लिश एंड मैथ्स, ओके दोस्तों। एंड यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की ये बात कर रहे हैं कि जो SC ST PWD एक्स सर्विस मैन है और स्पोर्ट्समैन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो उनको मोर देन 30%, ठीक है, 30% से मोर देन 30% मार्क्स लेके आने हैं। एंड अदर कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी में है उन्हें मोर देन 35% की कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा लेके आने हैं, तभी वो क्वालिफाइंग लिस्ट में आ पाएंगे। अब सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस तो आपने देख ही लिया है, एग्ज़ाम की बात करते हैं। यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है, ठीक है, कोई CBT ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें आपको एक OMR शीट मिलेगी जिसमें मल्टीप्लाई MCQs आएंगे, ठीक है, और आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है दोस्तों, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है यहाँ पे, जो कि 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे पर रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, रॉन्ग आंसर्स पे, ठीक। अब आपको मैंने इतना बता दिया था, आपको वेबसाइट पे विजिट करना है और फॉर्म को फिल करना है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जितने भी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, आप ये देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आपको मैं वैकेंसीज दिखा देती हूँ कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कॉलेजेस के नाम, आप पढ़ सकते हैं, महाराजा करुष्मा चंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरहामपुर, ठीक है, बरहामपुर हो गया आपका, कटक हो गया, बलंगीर, बालासोर, संबलपुर, कोरापुर, बरीपड़ा, पूरी, क्योंझर, जजपुर, कंधमाल, कालाहांडी, सुंदरगढ़, ठीक है, ये सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके नाम लिखे हैं यहाँ, और यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं सबके नाम लिखे हुए हैं। आपको डिटेल में जो जानना है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टैप करना, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और PDF मिल जाएगा, उस पर जाके आप अप्लाई कर देना दोस्तों, ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों, जल्द से जल्द अप्लाई करें। वीडियो आपकी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल पे बने रहने के लिए और नए नए अपडेट्स लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।